2024 के चुनावी दंगल में हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या होगा, चलेंगे यहाँ के लोगों से बात करेंगे और उनके नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। यहाँ के अगर चुनावी इतिहास पर नज़र डालें तो 1977 से लेकर और 2014 तक रामविलास पासवान लगातार यहाँ से सांसद रहे। 2019 में उनके छोटे भाई पशुपति पारस सांसद बने। कह सकते हैं कि रामविलास पासवान की ये परंपरागत सीट है और वो अपना गढ़ भी मानते थे, और शायद यही वजह रहा कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और पशुपति पारस में हाजीपुर सीट को लेकर राजनीतिक तौर पर इतनी तेज़ लड़ाई हुई कि चाचा और भतीजे दोनों अपना अलग अलग रास्ता ले लिए। लेकिन अब चिराग पासवान यहाँ से मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भी यहाँ से अपनी पूरी ताकत लगाए बैठे हैं और उनका भी दावा है कि वो इस बार हाजीपुर जो सीट है लोकसभा का, यहाँ के इतिहास को वो बदल देंगे। लेकिन आखिरकार यहाँ से होगा क्या, तो लोगों से ही जानेंगे। हाजीपुर संसदीय सीट पर जीत या हार का असर सिर्फ इस इलाके पर नहीं बल्कि बिहार और कई बार देश की सियासत पर पड़ता दिखता है। गंगा के दूसरे छोर पर मौजूद हाजीपुर राजधानी पटना का सैटेलाइट टाउन कहा जाता है। जाहिर है हाजीपुर के वोटर्स ने विकास का ख्वाब भी उस लिहाज से देखा है, इसीलिए इस चुनाव से भी बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। लेकिन उनका भरोसा किस पर है, इससे लेकर अधिकतर वोटर्स ने 24 का अखाड़ा में अपनी राय बगैर लाग लपेट के खुलकर रखी है। हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। यही वजह है कि पूरे बिहार में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, हालांकि उनके कार्यकर्ता यहां काम कर रहे हैं। चलिए पहले हाजीपुर की सबसे मशहूर चीज आपको दिखाता हूं। ये हाजीपुर का केला है, हाजीपुर की पहचान है ये केला, और कई वैरायटी के छोटे छोटे वाले केले यहां पाए जाते हैं और सब अलग अलग है, चंपा, चिनिया, दुधराज, सिंगराज, बाघनर, भोसवा, मालभोग, बतीसा, छतीसा, पता नहीं कितने सारे वैरायटी यहां पर हैं। और जो लोग भी हाजीपुर आता है तो उसकी कोशिश रहती है कि केले ज़रूर खाए जाएं। तो ये हाजीपुर का केला है, इसकी अपनी अलग मिठास है। लेकिन यहाँ की राजनीति का क्या मिठास है, यहाँ की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, लोगों से जानेंगे। लालू यादव जीतेंगे पूरे बिहार में, अभी आप उन्हीं का बोलबाला है। अच्छा, हाँ। और यहाँ हाजीपुर में चिराग पासवान का दावा है कि उनके पिता की सीट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ है। का हो चाहे चिराग का हो, सब लालू यादव के दिन था, इतना दिन सांसद रामविलास पासवान रहे थे। चिराग में वो क्वालिटी है, वो लीडरशिप में क्वालिटी है चिराग में कि हाँ उनके अपने बलबूते देश के युवाओं का भविष्य बना सकते हैं, बिहारियों को रोजगार दे सकते हैं। यहाँ जिस तरह उसके पिताजी यहाँ पे रोजगार के लिए तरह तरह की योजनाएं लाए, जोनल कार्यालय हो गया, सिपेट हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, नाइपर हो गया, उस तरह की किमी क्षमता है, लेबिलिटी है कि यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। हाजीपुर को रामविलास पासवान का गढ़ मानते हैं, हालांकि तीन मौकों पर अपने गढ़ में रामविलास को हार मिली, लेकिन उन्होंने बिहार के तीन जिलों पटना, सारण, मुजफ्फरपुर से घिरे हाजीपुर को देश में बड़ी सियासी पहचान दिलाई थी। रामविलास पासवान के निधन के बाद 2019 में उनके भाई पशुपति पारस ने हाजीपुर की विरासत संभाली, लेकिन इस बार पशुपति पारस और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान में इस सीट को लेकर जमकर ठन गए। हालांकि तमाम जद्दोजहद के बाद चिराग को अपने पिता की पारंपरिक सीट पर उम्मीदवारी मिल गई। हाजीपुर चिराग पासवान की टक्कर आरजेडी के शिवचंद्र राम से हो रही है। इस टक्कर को मोदी गारंटी बनाम लालू गारंटी कहा जा रहा है। दरअसल हाजीपुर का जातीय समीकरण भी कुछ इस तरह का है कि पासवान फैमिली की सियासत के लिए यहां चुनाव लड़ना फिट बैठता है। हाजीपुर में कुल वोटर 18 लाख है, जिनमें महिला वोटर करीब 8 लाख है और पुरुष वोटर लगभग 10 लाख है। हाजीपुर में 2,75,000 की संख्या में यादव, 2.5 लाख पासवान, इतनी ही संख्या में राजपूत और करीब 80,000 रविदास को गेम चेंजर वोटर माना जाता है। इन वोटर्स के अलावा भूमिहार, कुशवाहा, ब्राह्मण और कुर्मी के साथ 9% मुस्लिम तबका भी बेहद सक्रिय है। रामविलास ने अपने रिकॉर्ड जीत में सबको साधने में जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी, आज वही फसल चिराग के काम आ सकती है। गांव में विकास है, पहले रोड एकदम उधर खादर था ना, इधर विकास बहुत है। हम लोग चिराग पासवान के देंगे, नवयुवक है, बुनहार है और रामविलास पासवान को देते आए हैं, और उनका लड़का आएगा तो अपने पिता के ऊपर खड़े उतरेंगे। सारा पासवान चाहे अदर जात भी है, यहाँ चिराग पासवान के प्रति आभार जताता है, रिकॉर्ड वोट से जैसे जीतेंगे वो। रामविलास जी जो है, जो काम करके गए हैं, जो छाप छोड़ के गए हैं, आज मोबाइल देख रहे हैं, किसका देन है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन। हम तो मोदी के चिंते हैं, उसी के देंगे।
यहाँ तो हमारे ख्याल से कोई लड़ाई ही नहीं लग रहा है और चिराग पासवान बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, वोट करेंगे शिवचंद्रा राम को। सर चुनाव में यहाँ क्या होगा? क्या होगा जो पहले हम लोग मुद्दा देखेंगे ना कि कौन सा कौन नेता कौन सा मुद्दा दे रहा है। हमको विकास चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, खेलने के लिए फील्ड चाहिए, बच्चों के प्रोग्रेस के लिए जो चीज़ जो देगा उसी को हम वोट देंगे। विकास चाहिए सबसे पहले। गारंटी और मोदी मैजिक पर ज़्यादा भरोसा होता है या लालू यादव की दावे पर? नहीं, हम तो मोदी की तरफ है, खुलेआम मोदी की तरफ है, मोदी को वोट ही जाएगा। हाजीपुर में राजनीतिक विरासत बदल रही है, चिराग युवा हैं और उनसे युवाओं का कनेक्शन भी दिख रहा है। यानी हाजीपुर के यंग वोटर सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि भविष्य की बुनियाद की भी तलाश कर रहे हैं। हम लोग को जो सुरक्षा मुहैया कराता है, हम लोग तो अभी तक यही देखे हैं कि भाजपा सरकार जब से ये केंद्र में है तो लोकसभा में हम लोग चिराग जी के साथ रहेंगे। अच्छा। विधानसभा का बात अभी मोदी जो ठीक है, हमको देश के पीएम के लिए तो हमको मोदी जी ही चाहिए। अच्छा। हाँ, विधानसभा में हमको जो बने। देखिए, हम तो कोई भी पार्टी हो, प्रेमी तो हम बीजेपी हैं, चाहे कोई खड़ा हो जाए। उस हिसाब से तो हमारे क्षेत्र से अभी चिराग पासवान है तो वोट तो हम उन्हीं को देंगे। हम लोग तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा देश को आगे लेके गए हैं, तो लोकसभा में मोदी जी बेस्ट है और विधानसभा में तेज प्रताप यादव बेस्ट है। मोदी इज ग्रेट सर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, विकास किए हैं, डिजिटल कर दिया, मुझे यही बहुत बढ़िया लग रहा है। डिजिटल पहले घंटों बैंक में लाइन लगाओ, पैसा निकालना 10 रुपये, सब मोबाइल पर, बिजली विभाग, घर द्वार, गैस चूल्हा, बहुत ऐसा काम किया और करेंगे, हम लोग को पूरा भरोसा है उन पर। तो हम लोग मोदी भक्त नहीं है, न लालू भक्त है, हम लोग उस चीज़ को देखते हैं जो मेरे हक के लिए लड़े, मेरे लिए लड़े, जो हमें कदम से कदम मिला के चले। पीएम इससे बढ़कर दूसरे हमको तो कोई सोच नहीं रहा है अपना यहाँ इंडिया में। तो आप पीएम देख करके वोट करेंगे लोकसभा में? लोकसभा जी। इंडिया ब्लॉक में हाजीपुर की सीट आरजेडी के खाते में आई है। यहां से आरजेडी ने शिवचंद्र राम पर फिर से भरोसा जताया है, जबकि 2019 में शिवचंद्र राम को यहां से मात मिल चुकी है। हालांकि इस बार मोदी की गारंटी के सामने वो लालू गारंटी का दावा कर रहे हैं। इस बार हाजीपुर लोकसभा सीट काफी चर्चित रहा, चाचा भतीजे की अपनी लड़ाई में, खींचतान में। आरजेडी की तरफ से आप यहाँ उम्मीदवार हैं, यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन है उसके आप उम्मीदवार हैं। 2024 की इस लड़ाई को आप किस रूप में हाजीपुर में देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ पर है कि 47 साल बनाम 5 साल। यहाँ की आवाम ने निर्णय ले चुकी है कि 47 साल हमने मौका दिया, इनके पिताजी को भी मौका दिया, इनके चाचा जी को मौका दिया, ये जमुई से भाग करके आए हैं हाजीपुर में। इस बार हम जमीन के बेटा, गांव का बेटा, छठी में भोज खाने वाला, सत्यनारायण भगवान के पूजा में जाने वाला, जनऊ में जाने वाला, जन्मदिन में जाने वाला, विवाह में जाने वाला, श्राद्ध में जाने वाला बेटा और हाजीपुर के मिट्टी का बेटा शिवचंद्र राम को लोग जो है कि इस बार मतदान कर रहा है और चुनाव जिता रहा है। लेकिन उन लोगों का दावा, खासतौर पर बीजेपी का दावा है कि मोदी का मैजिक चलेगा, मोदी की गारंटी पर लोगों को ज़्यादा भरोसा है, और लालू यादव का हवाला देकर के लोग कहते हैं कि उन्होंने बिहार के लिए किया क्या, तो इसमें तो संघर्ष बढ़ जाएगा। अरे, लालू प्रसाद यादव जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को जमीन पर उतारने का काम किया, उन्होंने गरीबों की आवाज़ दी, गरीबों की शक्ति जी, वैसे लोग जो कभी ब्लॉक नहीं देखा था ब्लॉक दिखाने का काम किया, वैसे लोग जो जिला नहीं देखा था जिला दिखाने का काम किया, वैसे लोग जो अपनी बात को, सही बात को बोलने की ताकत नहीं रखता था उसको ताकत देने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का विचारधारा को जमीन पे किसी ने उतारने का काम बिहार की धरती पर किया, उस व्यक्ति का नाम श्री लालू प्रसाद यादव है। कह रहे हैं कि मोदी के मैजिक के आधार पर इस बार जीतेंगे? नहीं नहीं नहीं, जनता सवाल पूछ रही है, मोदी जी का मैजिक और गारंटी सब समाप्त हो जाएगा। जनता पूछ रही है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार की आपने वादा 2014 में किया था, क्या हुआ? आपने कहा था 2014 में कि हर गरीब के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, उसका क्या हुआ? आपने कहा था कि हम महंगाई को रोकने का काम करेंगे, महंगाई का क्या हल हुआ? पिछले लोकसभा चुनाव में जमुई से चुनाव जीतकर चिराग पासवान ने अपनी सियासी समझ दिखा दी है, लेकिन इस बार उनके कंधे पर दोहरी जिम्मेदारी है, हाजीपुर को जीतना और पिता की विरासत को संभाल कर रखना। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन एक साथ होकर प्रचार कर रहा है, वहीं आपस में सिर्फ अटोवल चल रहा है। अब तो जब राजद के बड़े नेता खुद ही एनडीए के पक्ष में वोट मांगने लग गए हैं,
तो इन लोगों के पास फिर अब मुद्दा बचा क्या? सोचिए, एक यादव को हराने के लिए भाजपा तक को ये समर्थन देने के लिए तैयार है, और फिर ये लोग बात करते हैं यादवों की। ये अपने में दर्शाता है, इनको जाति से नहीं, इनको जमात से नहीं, इनको सिर्फ एक परिवार के सुख और आराम से लेना देना। गंगा और सोन की दुआब पर बसे हाजीपुर की मिट्टी बेहद उपजाऊ है। किला प्लांटेशन यहां कमाई का बड़ा साधन है। साथ ही पूर्व मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी इस इलाके में बदलाव की बुनियाद रख चुका है, इसीलिए हाजीपुर अब प्रगति की तेज गति की ओर देख रहा है। हाजीपुर से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज नेशन।